एवरी वन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी, वीडियो शुरू हो रहा है शनिवार की दोपहर से। तो यहाँ पर जो है ना, मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर के लंच की। तो मैं जल्दी से पुलाव बना रही हूँ। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए ना मेरे पास सब्ज़ी कुछ ज़्यादा थी नहीं, मतलब मटर वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ आलू थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी का ही पुलाव बना देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था दोपहर के लंच में ना। सैटरडे था तो सुबह उठना भी थोड़ा सा लेट हुआ, फिर नाश्ता लेट, फिर दोपहर का लंच। तो सारा जो मतलब रूटीन होता है ना, वो बिगड़ सा जाता है। तो बस अभी यहाँ पर जल्दी से जो है, मैंने चावल निकाले हैं थोड़े से, और इनको अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी 2-3 बार पानी से। जब मैं इस तरीके का पुलाव बनाती हूँ तब कई बार कमेंट्स आते हैं कि दी ये पुलाव नहीं होती हमारे यहाँ, तो इसको खिचड़ी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ खिचड़ी वो होती है जो दाल के साथ बनती है, मतलब दाल और चावल को मिक्स करके बनती है ना, और वो थोड़ी सी गीली होती है, उसका टेक्सचर गीला होता है। एंड पुलाव का टेक्सचर थोड़ा सा यू नो, मतलब खिले खिले से जो चावल होते हैं वो होते हैं। तो हम तो भाई पुलाव इसी को बोलते हैं, और बहुत सारी सब्ज़ी भी डाल देते हैं लोग, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। तो वैसे मतलब सिर्फ गाजर और मटर तक ठीक है, उसके अलावा जैसे गोभी वगैरह होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो है, मैंने फ़िलहाल तो सिंपल सा ही पुलाव बनाया। भी इस टाइम पे जो है, मेरे पास कुछ ज़्यादा सब्ज़ी थी नहीं, तो यहाँ पर पुलाव मैंने कर दिया है फ्राई बहुत अच्छे से। अब बस एक सीटी लगाऊंगी मैं और पुलाव बनके हो जाएगा रेडी। पुलाव में जो है ना तड़का लगा दिया है। अब थोड़ा सा किचन जो मैसी हो गया है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं साथ के साथ में, तो ये वाला काम भी जो है साथ के साथ निपट जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा काउंटर टॉप ही गंदा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, तो बस इसको मैंने कर लिया है क्लीन, और ये बन गया है पुलाव। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी, शाम के बज गए हैं ठीक 7:30, और मैं बस अभी मार्केट से घर आई हूँ। तो लोकल मार्केट गई थी, घर का थोड़ा बहुत सामान था ना वो ख़त्म हो रहा था, तो वो मैं लेकर आई हूँ। और हुआ ये कि दोपहर में लंच किया आज मैंने, और उसके बाद मैं सो गई, और फिर उठी हूँ मैं ठीक 6 बजे। तो हालांकि लंच भी हम लोगों ने आज लेट ही किया था, 4 बज गए थे, बट उसके बाद सोते सोते मतलब टाइम को पता ही नहीं चला, इतनी तेज़ नींद आई है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये देखिए सामान वगैरह लेकर आई हूँ, और आज मैं डिनर में बनाऊंगी मटर पनीर, तो बस उसी का थोड़ा बहुत सा सामान मैं लेकर आई हूँ। यह है इवनिंग का टाइम, तो वंशिका तो पूजा कर रही है, और इधर मैंने ना थोड़ा सा मलाई जो इकट्ठा हुई थी उसको निकाला है घी बनाने के लिए, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था। तो वैसे तो मैं पूरा बाउल भरने देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसको भरने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इस मंथ ना हम इधर उधर ज़्यादा हैं, मतलब घर पर थोड़ा सा कम रहते, फिर घर पर कम रहते तो मिल्क वगैरह कम आता है, तो मलाई इकट्ठा हो नहीं पाई। और क्योंकि घी बिल्कुल भी नहीं था, तो यहाँ पर जो है मैंने जितना भी मेरे पर मलाई इकट्ठा थी, मैंने जो है उसका मक्खन यहाँ पर बना दिया है, और साथ के साथ इसका जो घी भी है ना वो भी मैं बना दूंगी। तो गर्मियों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, जो चीज़ है जल्दी से बन जाता है ये सारी चीज़ें, सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ देखिए फिर भी मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इतना भी मक्खन निकलेगा, बट फिर भी ठीक ठाक जो है मक्खन निकल चुका है। और साथ ही साथ एक तरफ जो है मैंने सब्जी भी चढ़ा दी थी, तो सब्जी बन के रेडी है। सब्जी में मैंने बनाई है आज मटर पनीर की सब्जी। आज ना हम लोग नया मटका भी ले आए हैं, तो वंशिका अपने मटके से पानी भर रही है, ठंडा हुआ पानी? हाँ, हो गया। और विदांश यहाँ पर खाना खा रहा है, कैसे बनाए जल्दी बताओ मम्मा को, आराम से खाना, गरम है। कैसा हो रहा है, गंदा हो रहा है? नहीं। अच्छा हो रहा है? हाँ। पक्का? मतलब जैसा कैसे हो रहा है? अब जैसा होटल में होता है शायद। हाँ? और वंशिका ने अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि वंशिका ने चिप्स खा लिए और कोल्ड ड्रिंक पी ली है, तो वंशिका को भूख नहीं है अब नहीं। और टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं ठीक 10:30। ये है संडे का दिन, तो अभी जो है सुबह का टाइम है, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, करीब 10-10:30 बजे का ये टाइम होगा। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए।
एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी संडे का दिन है, दोपहर के बज रहे हैं ठीक एक, और बस अभी थोड़ी बहुत देर में निकलने वाले हरिद्वार के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि भाई की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, तो बस इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनका प्लान हो गया कि अभी अभी चलो आज ही चलते संडे को, वरना तो हमारी प्लानिंग मंडे शाम की थी। बट वही है ना कि ये इंस्टेंट प्लान बनाते हैं, मतलब पहले से नहीं बता के रखते, तो मंडे की भागदौड़ हमारी बच जाएगी, क्योंकि मंडे भी हम निकलते तो इवनिंग में निकलते, और आज संडे है तो खाली पूरा दिन है, तो आज ही निकलते। और इस वजह से मेरी अभी पैकिंग भी नहीं हुई थी, हालांकि इतनी ज़्यादा पैकिंग करनी नहीं है, थोड़ी बहुत ही करनी है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। बट वही है कि पैकिंग तो पैकिंग है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, टेंशन तो उतनी ही रहती है। तो बस अभी फटाफट से पैकिंग करूँगी, थोड़ी बहुत मैंने कर ली है, थोड़ी बहुत रहती है। टारगेट ये है कि 2 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएँ। तो चलिए पहले जल्दी से पैकिंग करते हैं और अपना घर का छोटा मोटा सा जो काम है ना मेरा, जो रह गया है वो निपटा लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं करने लगी हूँ पैकिंग, तो बस जल्दीबाजी में मैंने अभी छोटा ही बैग पैक किया है, तो देखने में आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा बैग है, बट बड़ा बैग वो होता है जो मेरा ट्रॉली बैग होता है ना, जब उसको मैं भर के ले जाती हूँ। तो अभी ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है, तो मैंने जितने कपड़े मतलब यूज़ के जो थोड़े 2-3 दिन के कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं। तो चेन नहीं लग रही थी तो वंशिका की यहाँ पर मैंने ले ली है हेल्प, और एक ये छोटे जो बैग मैंने निकाला है ना, इसमें कुछ कपड़े मैं डाल रही हूँ। तो ये कपड़े ना मुझे किसी को देने हैं, मतलब इनके कपड़े हैं जो कि जैसे टाइट हो जाते नहीं पहन रहे, तो वहीं ले जाऊंगी हरिद्वार, तो वहीं मैं दे दूंगी। तो इसलिए मैंने इसको जो है दूसरे बैग में डाल दिया है, और साथ ही साथ जो है बर्तन वगैरह भी उनको रैक पे लगा देती हूँ। अब जल्दी से ये जो नाश्ते के बर्तन है ना, थोड़े से इनको भी वॉश कर देते हैं। तो नाश्ते में जो है मैगी बनी थी, तो उसी के ही बस थोड़े बहुत बर्तन थे, बाकी के मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी थी। तो इस टाइम पे तो इतनी जल्दी हो रही थी क्योंकि अभी रेडी भी होना था और थोड़े बहुत काम पेंडिंग थे, क्योंकि पहले से जब आपका फ़िक्स होता है तब तो आप उसी हिसाब से चलते हो, बट जब आपका फ़िक्स नहीं होता है ना तो आप धीरे धीरे अपने काम करते हो। तो मेरा भी मॉर्निंग से धीरे धीरे ही काम चल रहा था, लेकिन वो तो अचानक जब इन्होंने बोला कि आज ही जाना है, तो फिर थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी हो गई। तो बस यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह सारे वॉश हो चुके हैं, अब बारी आती है खुद को भी तैयार करने की। तो यहाँ पर मैं भी बस रेडी हो रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग निकल जाएंगे। घर से निकलने के बाद अभी 1-2 जगह हमें और जाना है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला था, तो मतलब पूरा दिन आज हमारा ऐसे ही निकलने वाला था ट्रैवल में ही, क्योंकि इसके बाद हमें कहीं और भी जाना है। तो चलिए पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको कि फिर उसके बाद हम लोग किधर निकलेंगे। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। टाइम 2 बज गए हैं और सब नीचे पहुँच गए हैं, बस मैं रह गई हूँ। मुझे थोड़ा सा लॉक वगैरह लगा के जाना होता है ना, तो इसीलिए मैं यहीं पर आ गई हूँ। तो चलिए जल्दी से पहले नीचे पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप लोग रेडी होके निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। विदांश के 2 दांत टूट गए, आपको वही दिखा रहे हैं, दिखा दो जरा। चूहे ले गए इसके 2 दांत। आने से पहले हमें जाना है मॉल, क्योंकि हम लोग जो है ना उनके लिए गिफ्ट अभी हम लोगों ने नहीं लिया है, तो हम सोचे थे कि यहीं से उनके लिए गिफ्ट भी ले लें। तो कुछ डिसाइड नहीं है अभी कि क्या लेना है, वहीं जाके पता लगेगा कि हम लोग क्या लेंगे। तो पहले मॉल जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम हमें मॉल में लग जाएगा, 1-1.5 घंटे के करीब तो लगेगा। उसके बाद हम लोग सीधा हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। तो जी मॉल जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि बाहर चलना बहुत मुश्किल है। गाड़ी में बैठ के तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब एक बार गाड़ी से बाहर निकल जाओ ना तो पता चलता है कि हाँ बाहर जो है ना बड़ा मुश्किल है आना। हम लोग पहुंच चुके हैं गॉड सिटी मॉल, तो ये हमारे घर के जो सबसे नज़दीक का मॉल है, जिसको कि मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ। तो हम मोस्टली इसी वाले मॉल में जाते हैं क्योंकि घर के सबसे नज़दीक यही है। तो बस हम मॉल में चले गए थे, उसके बाद हम लोगों ने उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीदे, और कह रही थी मैं कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि होता है ना चीज़ पसंद करने में टाइम लगता है। शॉपिंग, और अब हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए, और अभी 4 बज गए, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जब कुछ खरीदने जाओ तो पहले तो समझ ही नहीं आता कि ले क्या। तो फाइनली उनके गिफ्ट हमने ले लिए। हमें लगी है बहुत तेज़ भूख, तो इसीलिए वंशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसको भूख लगी है। विदांश को भी लगी है ना भूख, तो
हाँ हम दोनों गुस्सा नहीं करते, भूख हम सबको ही लगे क्योंकि हो भी गया खाने का टाइम। तो अभी देखते हैं आगे, कुछ चलते फिरते कुछ खरीद लेंगे। दोनों को बहुत तेज भूख लग गई थी और पूरे हाईवे में कुछ नहीं मिला है, अब जाके अब कुछ मिला है तो थोड़ी सी स्माइल आ गई है ना। जी शाम के बज गए हैं ठीक 6:30 और अभी अभी हम लोगों ने ना छोले भटूरे खाए हैं। तो हम लोग ना सुबह सिर्फ नाश्ता करके निकले थे, बहुत तेज भूख लगी थी इवनिंग टाइम में ना। सुबह भी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी बस मैगी खाई थी, तो बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे और बच्चों के साथ साथ हम भी। तो बस हमने अभी छोले भटूरे खाए हैं और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, तो बस पहुंचने ही वाले हैं। और आज आपको मैं जो है ना मनसा देवी का जो मंदिर है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मनसा देवी का मंदिर है और बगल में देखिए आप लाल लाल सा आपको दिख रहा है ना, जिस अभी यहाँ पर ये आग लगी हुई है पहाड़ों पे। तो इस टाइम पे गर्मियों के टाइम ना पहाड़ पे आग लग जाती है, तो बस वही हम लोग भी देखते हुए चल रहे थे कि देखिए कितनी आग लगी हुई है। मैं पहुंच गई हूँ ससुराल, तो यहाँ पर मम्मी जी ने सारा खाना वगैरह बना के रखा हुआ था, बस अभी आटा गूंथ के थोड़ी बहुत रोटियाँ बनानी है मुझे। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ और इसके साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।